लोग हैं जयपुर में, और ये है तो पीछे दिख रहा होगा मेरी मासी का घर है। और आज हम जाने वाले हैं वीर हनुमान जी के मंदिर, जहाँ पे बोला जाता है 700 सीढ़ियाँ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है बाहर से मेरी मासी का घर, हम अंदर से दिखाते हैं। ये एंट्री गेट है और ये एक रूम है और एक ये रूम है, और ये रूम जहाँ हम हमेशा रुकते हैं, हमारा फेवरेट रूम, यहाँ हम सोते हैं। और एक रूम ये है और ऊपर है, यहाँ से ये ऐसा है कुछ हॉल, और यहाँ पे ऐसे रूम्स है। ये मासी जी का रूम है, ये मासा जी है मेरे और ये मासी है, हाय कर दो। हम इनके घर पे आए हुए रुकने, और अब हम जा रहे हैं मंदिर। और ये दूसरा रूम है, ये रसोई है, ये ऐश्वर्या है, हाय ऐश्वर्या, हेलो। यहीं पे अभी ये बैल्कनी है, यहाँ से मतलब बहुत शांत प्लेस है, अच्छा घर है मासी का। हमेशा जब भी जयपुर आते हैं यहाँ आते हैं। ये वेंटिलेशन का है, यहाँ से ऊपर छत है। चलिए अब हम चलते हैं, जा रहे हैं वीर हनुमान। देखिए सब रेडी हो गए हैं, ये भी रेडी हो गई है। पहले हमारा प्लान था खुद के कन्वेंस से जाने का, बट सम ड्यू टू सम रीज़न जो शिवम है बिजी है, 10-12 दिन साथ हम जाते, हम जाएंगे आगे, ठीक है। जैसे आज हमारा सरकारी से पहले हमारा जो सारा ट्रिप था वो लोकल लोकल था, तो आगे भी अपनी लोकल ही चल रही है, अभी भी लोकल जाएंगे। यहाँ आ गया चोमू विलिया, यहाँ से आपको डायरेक्ट बस भी मिल सकती है, और चोमू के लिए डायरेक्ट मतलब जा सकते हो, और वहाँ से आप तोड़ तोड़ के जा सकते हो, ठीक है। तो वीर हनुमान जी यहाँ से अराउंड 45 किलोमीटर है, देखते हैं हम कैसे जाते हैं। वी आर जस्ट डिस्कसिंग, हम उतर गए चोमू, और यहाँ पे काफ़ी सारी जीप से देखते हैं, यहाँ पे जीप वगैरह में बैठ के कोई मिलेगी तो। वहाँ चोमू उतरे थे, 50 मीटर की दूरी पर चल के आ गया अभी, तो पता करते आगे का वीर हनुमान जी। जय हो, जीप ली है गाइस, देखिए यहाँ से पीछे बंदे लटक भी जाते हैं, बहुत डेयरिंग है। थोड़ी सांस आई लेकिन अभी उतर गए तो थोड़ी सांस आई हमें। अब हम आपको वहाँ पे मिलते हैं चढ़ाई पे, हम जा रहे हैं वीर हनुमान की चढ़ाई पे। हम आगे वीर हनुमान जी के, ये देखो पूरा व्यू कितना प्यारा है यहाँ पे, ये राजस्थान का एरिया गाइस, देखो इट्स लुक ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा लग रहा है। वगैरह खड़ी हुई है जो भी शेरनी पे आती है। इस जीप का किराया कम से कम 30 रुपये होता है, हम 30 रुपये किराए पे आए, चोमू से हमें ये जीप मिली है, लोकल सवारी है, मज़ा आता है इसका भी एक्सपीरियंस करना है, एक मज़ेदारी एक्सपीरियंस है अगर देखा जाए तो, आप कहना चाहो तो। देखिए वीर हनुमान मंदिर में जाएंगे, अब क्या होता है उधर, कैसी चढ़ाई है कैसी नहीं, इट्स फर्स्ट टाइम फॉर मी। सुना है 700 सीढ़ियाँ है, 700 सीढ़ियाँ आने की, 700 सीढ़ियाँ जाने की, तो लेट्स सी। ये जाने का रास्ता है मंदिर जाने का रास्ता, ये जा रहा पूरा रास्ता, चलो बोलो जय हनुमान जी। ये है रास्ता जो जाने का है वीर हनुमान मंदिर का, ये जो आपको माउंटेन दिख रहा सामने का, ये है आपको दिख रहा होगा वो सामने जो ये है वाइट वाइट स्टेयर्स जा रही है वीर हनुमान जी के लिए, और एक साइड में रास्ता जा रहा है यहाँ से, ये हनुमान मतलब माउंटेन से होता हुआ ये कच्चा रास्ता है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी ट्रैक कर सकते हो जो आपको सही लगे, रास्ता थोड़ा हार्ड कह सकते हो आप इसको, बाकी सीढ़ियाँ एक इजी वे रहेगा, अप वे रहेगा, दोनों ही बस रास्ते बढ़िया है, आप जैसा चाहो चूज़ कर सकते हो। बोलो जय श्री राम। ये एंट्री गेट वो दिख रहा होगा आपको, लोग जो चढ़ रहे हैं, ये एंट्री गेट में पहले एंट्री कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आप पार्किंग कर सकते हो अपने बाइक्स वगैरह की, और मतलब सारी कार की पार्किंग भी है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर,
ये सामने कच्चा रास्ता स्टार्टिंग हो गया है यहाँ से और स्टेयर का वहाँ से है। अब देखते हैं हम कौन सा रास्ता पकड़ते हैं। मैंने तो ऐसे कच्चे रास्ते के लिए सजेस्ट किया है, लेट्स सी विच पाथ इज गुड। ठीक है, चढ़ाई शुरू वीर हनुमान जी की और हम पकड़ रहे हैं सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ थोड़ी कंफर्टेबल भी है, शेल्टर है वहाँ पे, धूप को नहीं पता चलेगा और कच्चा रास्ते में भी अपना मजा है, सीढ़ियों में भी अपना मजा है। सो लेट्स वॉक टू द वीर हनुमान जी। तैयार? अरे ये होगी हमारी सीढ़ियाँ, ये सारी सीढ़ी वहाँ तक जानी है। चलते हैं, चढ़ाई करते हैं और हनुमान जी का नाम लेते हैं। जय श्री राम। गाइस जैसे कि मैंने देखा था पीछे ये धर्मशाला भी आप चाहो तो बुक करा सकते हो पहले आगे, ठीक है। और ये सीढ़ियाँ जो दिख रही है मुझे काफ़ी खड़ी है, चढ़ाई करते हैं इसकी लेके प्रभु का नाम बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। गाइस देखिए हम थोड़ी सी दूरी पे आए अभी और नज़ारा बहुत सुंदर है, चढ़ाई बहुत खड़ी है। लगता है आसान है लेकिन चढ़ोगे थोड़ा कड़ाई से ना यू नो सांस सुनने लग जाती है। चढ़ते हैं हम तो। जय श्री राम। देखिए सामने बिल्कुल जो चढ़ाई है कच्चा रास्ते की, अगर आप चाहो तो कच्चा रास्ता भी ले सकते हो, मतलब नॉर्मल चढ़ाई रहेगी, खड़ी नहीं रहेगी इसमें। और ये सीढ़ियाँ का रास्ता भी ले सकते हो जो कि बहुत खड़ी चढ़ाई है, तकरीबन 10-15 के बाद ही हल्की से सांस सुनने लग जाती है, खड़ी सी है इसलिए। देखिए गाइस राजस्थान में वाटरफॉल आ जा रही है, मुझे ना वाटरफॉल्स की वॉइस बहुत प्यारी लगती है, ऊपर से आ रहा है वो नेचर। भगवान के नेचर से प्यार करें, भगवान से प्यार करें, भगवान खुश रखेगा, सब खुश रहेंगे। जय बाला जी। और ये हम सारी सीढ़ियाँ के पहुँच गए हैं यहाँ पर, और यहाँ कुछ ही दूरी पे है हमारे हनुमान जी का मंदिर। थोड़ी सी और सीढ़ियाँ है जो करनी है हमें पार, ताकि मिल सके हम अपने हनुमान जी से। बोलो जय श्री राम। इधर है प्राचीन शिव मंदिर, यहाँ पर छोटा सा कुंड टाइप का बना है शिव मंदिर, अरे पता ही नहीं चला पानी यहाँ कहाँ से रहा है, तो छोटा सा झरना बह रहा था। चलो चलते हैं थोड़ी सी दूरी पर, ये आ गया हमारा मंदिर का द्वार। वहाँ से शेल्टर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर। चलो चलते हैं। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। फाइनली हम पहुँच गए, करते हैं मंदिर के दर्शन हनुमान जी का। बोलो जय श्री राम। पर मंदिर का, और ये है इधर बैल जो बजाएगी सर से। आवाज नहीं आ रही, आवाज 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 अब आई है भाई। आई हाँ हाँ आ गई आवाज। ये है मंदिर। वाह 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 वाह, क्या मोटी खोपड़ी का है तू, सही आवाज आ रही है। मैं भी ट्राई थी ये। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई इस मंदिर सच्ची में बहुत, मतलब सारी थकान एक पल में गायब। कहते हैं जादू बजरंग बली का, थकान उतर गई देखा तुमने। हाँ। पता ही नहीं चला। जय श्री राम। जय देखो यहाँ से ये देखिए गाइस अमेजिंग, ये देखो बचाने के लिए जाके ना। हाँ नहीं। कोई कोई बैठ भी जाता है इसलिए ना। तो मैंने बताया था ना कच्चा रास्ता आ रहा है, कच्चा रास्ता ये यहाँ से ऊपर आएगा और हम आए वहाँ से सीढ़ियों से ऊपर आए हैं। तो आपको जो प्रेफरेंस लगे वो करो, एक बार ज़रूर वीर हनुमान जी के आए दर्शन करें बालाजी महाराज के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल का हनुमान जी बैठे इधर, बहुत ही प्यारे लग रहे जो कि, और सर से अपना घंटा बजाए बाबा जी के जयकारे लगाए। बोलो जय श्री राम। कैसा लगा? Thank you.
देखिए गाइस, ये राजस्थान का फेमस दाल बाटी चूरमा है। ये भी बाटी, इट्स रियली लुक डिलीशियस। गाइस, हमने अभी इतना यम्मी डिलीशियस दाल बाटी चूरमा खाया है, बट आप बताएंगे हमने? जैसा कि आप देखना चाहते हैं कि हम वीर हनुमान जी के द्वार पर हैं, जो कि नीचे सभी भक्तों के यहाँ पे शिविर टाइप लगे हुए हैं, जिनकी जो मुराद होती है राजस्थान में उसको स्वामिनी के नाम से जाना जाता है। स्वामिनी ऐसा मतलब जिसने कोई अपनी इच्छा बोली हो प्रभु से, उन्होंने उनकी हम आपके यहाँ पे दाल चूरमा बाटी जो राजस्थान की फेमस चीज़ है वो यहाँ पे इन्होंने अभी प्रस्तुत किया के सामने। और हमने आप घाटे भी देखा और आप भी आए शेयर करें कि यहाँ पे चीज़ जो है वो प्योर और प्योर ही मिलेगी आपको, इसलिए इसमें सबसे फेमस दाल बाटी चूरमा कढ़ी और आपके अनुसार है जो आप बनाना चाहते हैं, लेकिन फेमस यहाँ पे आप दाल बाटी चूरमा ही खाएं। ठीक, थैंक यू, हमें मज़ा आया बहुत। यहाँ पे गाइस है स्वामिनी का सब कुछ देसी तरीके से, वो भी बहुत बढ़िया। ये देखिए ऐसे चूल्हे में कंटों के द्वारा, जो कि देसी उपले बोलते हैं जिन्हें, खाना सीरियसली में बहुत अमेजिंग बनता है। मैं आपको आगे, ये देखिए यहाँ सब बैठ के खाना बना रहे हैं। बस आपकी कोई विश पूरी हो तो आप भी ये ज़रूर करें। जय श्री राम।